सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड ओवरसीज। मैं हूं जितेंद्र सिंह और आज की हमारी वीडियो रहेगी कनाडा टूरिस्ट वीजा पे। यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब कर दें। आज की वीडियो रहेगी कनाडा टूरिस्ट वीजा पे कि कनाडा का टूरिस्ट वीजा कैसे अप्लाई होता है और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कैसे आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें कि आने वाले टाइम में हम और भी जो वीडियोस लेके आए वो आप तक पहुंचती रहे। कनाडा का टूरिस्ट वीजा लेने के लिए आपको डॉक्यूमेंट पे बहुत ध्यान देना होता है क्योंकि कनाडा का वीजा आपको इतना ईजी नहीं मिल सकता जब तक आपके डॉक्यूमेंट कम्प्लीट नहीं है। तो इसमें डॉक्यूमेंट में काफी इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें होती है, यदि वो आप मिस कर गए तो आपका वीजा रिफ्यूज हो सकता है। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि इसमें एक एक डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपका डॉक्यूमेंट मिस ना हो। सबसे पहले जो बहुत ही कॉमन है और इसके बिना तो आप एप्लीकेशन कर ही नहीं सकते, वो रहता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। तो नॉर्मल है कि एप्लीकेशन फॉर्म के बिना आप किसी भी कंट्री में वीजा अप्लाई नहीं कर सकते, वो तो आपको फिल करना ही होता है। बट यहाँ पे इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा क्यों है, यहाँ पे जो आप इंफॉर्मेशन फिल कर रहे हो वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे फिल होती है उसके बेस पे आपको वीजा मिलता है। जैसे कि यूके का जो वीजा एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन रहता है और वहाँ पे भी इंफॉर्मेशन आपसे काफी पूछी जाती है, उसी तरीके से कनाडा का जो फॉर्म है वो आप ऑफलाइन जरूर फिल कर सकते हैं, बाद में आपको अपलोड करना होता है, बट उसमें जो इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसमें आपसे पूछा जाता है कि आप कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, जो आपका काम है वो क्या है। जो आप अपनी इंफॉर्मेशन फिल करते हैं उससे के अलावा आपकी प्रीवियस जो जॉब है, जो आपकी प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट्स है वो उसके बारे में भी पूछा जाता है, आपको उसके बारे में बड़े ध्यान से फिल करना होता है। आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं पिछले 1 से 2 साल से, बट उससे पहले आप क्या कर रहे थे, आपको वो जरूर साथ में फिल करना चाहिए। चाहे उससे पहले आप स्टडी कर रहे थे, चाहे आप उससे पहले जॉब कर रहे थे, उसके बारे में जरूर इंफॉर्मेशन दे दें क्योंकि वो इंफॉर्मेशन आपके वीजा के पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और वो इन्फॉर्मेशन आप नहीं देते तो आपका वीजा रिफ्यूज हो सकता है। कई बार हम सिर्फ करंट इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, प्रीवियस इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं डालते, तो प्रीवियस इन्फॉर्मेशन वहाँ पे फिल करनी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। यदि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म खुद फिल कर रहे हैं तो उसकी एक कॉपी अपने पास जरूर रखें, और यदि आप किसी कंसल्टेंट की हेल्प ले रहे हैं तो तब भी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ से ले ले क्योंकि इन केस आपका वीजा रिफ्यूज होता है तो फ्यूचर में वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको दोबारा फिर जब फिल करना होगा तो वो इंफॉर्मेशन आपकी मैच करनी चाहिए। तो इसलिए एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसमें किसी भी तरह की मिस्टेक आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपके इनकम प्रूफ, कि जो आप काम कर रहे हैं उसके प्रूफ क्या है, मीन्स आपके जो वर्किंग है आपके वर्किंग के प्रूफ आपको साथ में जरूर देने पड़ेंगे। तो वर्किंग प्रूफ कैसे हैं, यदि आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी NOC, आपकी सैलरी स्लिप, सैलरी स्टेटमेंट, आपकी जॉब ID और भी जो आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट है उसकी भी कॉपी आप साथ में लगा सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट आपके जॉब के होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सारे कंप्लीट हों। यदि आपकी सैलरी कैश में आ रही है तो आपका वीजा के जो चांस है वो बिल्कुल लो हो जाते हैं, यदि सैलरी अकाउंट में आ रही है तो वीजा के चांस बढ़िया रहेंगे। इसके साथ साथ आप सैलरी स्टेटमेंट भी लगानी पड़ेगी क्योंकि आपको प्रूफ करना होगा कि जो आपकी सैलरी है वो बैंक में आ रही है और किस बैंक में आ रही है, उसकी स्टेटमेंट आपको साथ में लगानी है। तो ये तो जॉब वालों के लिए है। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका बिजनेस रजिस्टर जरूर होना चाहिए, यदि आपका बिजनेस रजिस्टर नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि बिजनेस आपका रजिस्टर हो। सेकेंड चीज, आपका करंट अकाउंट, यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका बिजनेस का अकाउंट जरूर होना चाहिए, अकाउंट में आपका बिजनेस का नाम हो जिससे प्रूफ हो कि आपका जो बिजनेस है वो रजिस्टर है, क्योंकि करंट अकाउंट आप तब तक ओपन नहीं कर सकते जब तक आपका बिजनेस रजिस्टर है। तो करंट अकाउंट आपका पुराना होना चाहिए, उससे प्रूफ हो जाता है कि आपका जो बिजनेस है ये पुराना है, और आपके बिजनेस से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन हो रही है, जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसकी जो इनकम आपको आ रही है, जो भी आप उसमें लेन देन कर रहे हैं, वो उसकी सारी ट्रांजेक्शन आपके करंट अकाउंट में शो होनी चाहिए, उसके बेस पे आपको वीजा के चांस जो है वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। और ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो वीजा आपका नहीं है।
इसके अलावा बिजनेस में आपके इनवॉइस मेल होते हैं जो आप यदि सील एंड परचेज करते हैं तो उसके प्रूफ, यदि आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके प्रूफ, किसी तरह की आप सर्विस दे रहे हैं तो उसके बिल, ये बिल आपके पास होने चाहिए। यदि इसके बिल आपके पास हैं तो आप बड़े ईजिली अपना वीज़ा ले सकते हैं। तो ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट जरूरी है। इसके अलावा यदि आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट अपने प्रूफ साथ में लगाएं, जो आपके कोर्स चल रहा है उसके प्रूफ हो, इनरोलमेंट लेटर हो, स्कूल से एनओसी हो, एक लीव लेटर आपके पास हो, आपके जो मॉड्यूल्स रह गए हैं उसका एक आप कॉपी साथ में लगाएं कि विजिट करने के बाद आपके जो नेक्स्ट सेमेस्टर है क्या स्टडी करने वाले हैं, तो कंप्लीट डॉक्यूमेंट उसमें होने चाहिए। यदि आप रिटायर्ड पर्सन हैं, आपकी पेंशन आती है तो पेंशन के आपके डॉक्यूमेंट जरूर हो, पेंशन प्रूफ हो, पेंशन जिस अकाउंट में आ रही है उसका प्रूफ हो, तो ये कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन होती है। यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट मिस ना करें, यदि आपने कोई डॉक्यूमेंट मिस कर दिए तो वीज़ा आपका रिफ्यूज हो जाएगा। तो ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट है सिर्फ वर्किंग प्रूफ के। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका इनकम टैक्स प्रूफ। जो आप इनकम कर रहे हैं उसके टैक्स की आप पे करते हैं, यदि आप ITR पे करते हैं तो ITR रिटर्न की कॉपी साथ में लगाएं। यदि आपके पास फॉर्म 16 है, आप जॉब कर रहे हैं और आपको फॉर्म 16 मिल रहे हैं तो आप फॉर्म 16 की कॉपी लगाएं। इसके अलावा यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो भी आपको ITR लगानी होगी, और यदि आप फार्मर के लिए इनकम सर्टिफिकेट होता है जो तहसील से बनता है। फार्मर के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो है आपका जे फॉर्म, आपकी फर्द, और आपकी जो भी आप क्रॉप्स अपनी सेल करते हैं तो उसके प्रूफ लगाएं। इसके अलावा जो आपके पास पेस्टिसाइड्स आप परचेज कर रहे हैं या कोई और चीज़ें परचेज कर रहे हैं अपनी एग्रीकल्चर के लिए तो उसकी कॉपी साथ में लगा दें। इसके अलावा जो आपके पास एग्रीकल्चर मशीनरी है, जैसे ट्रैक्टर है, कंबाइन है, कुछ भी इस तरह के जो आपके पास मशीनरी है तो उसके प्रूफ भी आप साथ में लगा सकते हैं, कि जिससे ये प्रूफ हो कि आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं, यानी आप फार्मिंग कर रहे हैं। डेयरी फार्मिंग है तो डेयरी फार्मिंग के प्रूफ लगाएं, उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जहां अपना आप दूध सेल कर रहे हैं वहां से आपके बिल साथ में हो, और जिस अकाउंट में आपकी पेमेंट आ रही है उस अकाउंट की आप बैंक स्टेटमेंट साथ में लगा दें। तो ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट होते हैं। यदि आप ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट लगा देते हैं देन आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होगी, बट ये डॉक्यूमेंट आपके मिस हो जाते हैं देन आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री। कनाडा का वीज़ा अप्लाई करते हुए ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। यदि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी नहीं है, ट्रैवल हिस्ट्री आपकी वीक है तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। तो कनाडा वीज़ा अप्लाई करने से पहले अपनी ट्रैवल हिस्ट्री जरूर बनाएं। ट्रैवल हिस्ट्री आपकी अच्छी है तो कनाडा का वीज़ा आपको इजीली मिल सकता है। उसके लिए आप रशिया ट्रैवल कर सकते हैं, शेंगन ट्रैवल कर सकते हैं, आप साउथ कोरिया या जापान में ट्रैवल कर सकते हैं, यूके में ट्रैवल कर सकते हैं। यदि इन कंट्री में से किसी कंट्रीज़ में आपने ट्रैवल किया हुआ है तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी मानी जाती है। यदि आपने सिर्फ सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, दुबई इन कंट्रीज़ में ट्रैवल किया हुआ है तब भी आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि उसके बाद एटलीस्ट आप शेंगन या यूके इन कंट्रीज़ में जरूर ट्रैवल कर लें। यदि इन कंट्रीज़ में आप ट्रैवल कर लेते हैं देन आपका कनाडा का वीज़ा लेना बहुत ईजी हो जाता है। तो ये है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री। ट्रैवल हिस्ट्री आपकी अच्छी होनी चाहिए कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए। अब बात करें इसकी कॉस्ट की, तो कनाडा में आपको बायोमेट्रिक देने होते हैं, बायोमेट्रिक के बिना वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। तो बायोमेट्रिक जो कॉस्ट है वो $85 होती है, और जो एम्बेसी फीस है वो $100 है, मींस कंप्लीट आपको $185 आपको पे करने हैं। यदि आपका पहले रिफ्यूज़ल है और आपने बायोमेट्रिक करवाए हुए हैं तो देन आपकी सिर्फ एम्बेसी फीस जाएगी, उसकी कॉस्ट $100 होगी, क्योंकि बायोमेट्रिक आपके 10 ईयर के लिए वैलिड रहते हैं। आपने आज बायोमेट्रिक करवा ली है तो 10 ईयर तक आपको दोबारा बायोमेट्रिक नहीं करवाने हैं, जस्ट आपको एम्बेसी फीस पे करनी है। तो उस केस में आपको जस्ट $100 पे करने होते हैं। यह है इसकी कॉस्ट। और इसके अलावा यदि हम प्रोसेस की बात करें तो इसकी वीज़ा एप्लीकेशन आप ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरह से कर सकते हैं, कि अपने जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है उनका फिल करके उसका प्रिंट आउट निकाल लें, देन उसके बाद अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट साथ में लगाएं, और अपॉइंटमेंट लेने के बाद कनाडा के VFS में आप अपनी फाइल सबमिट कर दें। बट आफ्टर कोविड इन्होंने अभी ऑफलाइन जो सर्विस है वो क्लोज की हुई है, तो आज की डेट में यदि आपको एप्लीकेशन करनी है तो सिर्फ ऑनलाइन कर सकते हैं।
ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ऑप्शन कोविड से पहले दोनों ऑप्शन थे और दोनों वे से किसी भी तरीके से अपनी एप्लीकेशन कर सकते हैं, बट आज की डेट में सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन है। ऑनलाइन के लिए आपको कनाडा की इमिग्रेशन साइट पे जाना है, अपना जीसी अकाउंट क्रिएट करना है, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग की पूछी जाती है, वो आपको फिल करनी है, और ये इंफॉर्मेशन बड़े ध्यान से फिल करनी होती है क्योंकि ये बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं जिनका आपको आंसर देना है वहां पे। और उसके बाद आपकी जो चेकलिस्ट क्रिएट होती है उसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और देन आपको अपनी एप्लीकेशन फीस पे कर देनी है। उसके बाद आपको एक बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर आता है, वो लेटर लेके आपको VFS में अपॉइंटमेंट लेके अपने बायोमेट्रिक्स देने हैं, और जिनके बायोमेट्रिक ऑलरेडी हैं तो उनको ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होती, उनको डायरेक्ट उनका डिसीजन आता है और पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ जाती है और अपना पासपोर्ट आप सबमिट करके अपने स्टैंप लगवा सकते हैं। बट जिन्होंने बायोमेट्रिक नहीं दिए, पहले बायोमेट्रिक होंगे देन उनका डिसीजन आएगा और फिर आप अपने पासपोर्ट सबमिट करवा के VFS में अपने पासपोर्ट पे स्टिक कर ले सकते हैं। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट VFS में फिजिकली सबमिट करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी आप ऑनलाइन सारे अपलोड कर सकते हो। तो ये था कंप्लीट एक प्रोसेस कनाडा टूरिस्ट वीज़ा का। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।